अलग तेलंगाना राज्य गठन पर सोमवार को लोकसभा में शोर शराबे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इस मुद्दे को लेकर टीडीपी और कांग्रेस सांसदों द्वारा बार बार नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने टीडीपी के 4 और कांग्रेस के 5 सांसदों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में नियम 374(a) के तहत 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। Invoking the rules 374A named you earlier this morning, and by the provisions of the rule, you are automatically suspended from the service of the House for 5 days starting from today. As such, you cannot enter the chamber of the House in the socks slogans. I once again request you to withdraw from the House forthwith. निलंबित सांसदों के नाम हैं ए साई प्रताप कांग्रेस, ए वी रेड्डी कांग्रेस, एल आर गोपाल कांग्रेस, बी राजू कन्नुमुरु कांग्रेस, एम एस रेड्डी कांग्रेस, एम वेणुगोपाल रेड्डी टीडीपी, एन क्रिस्तापा टीडीपी, के एन राव टीडीपी और डॉक्टर एन शिवा प्रसाद टीडीपी। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस और टीडीपी के सांसद एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। A motion against privilege of the house against this member, and today it's in a shocking to making this a political, and BJP is trying to fishing in a troubled water. पूरा संसद दुखी है, हर दल के नेता इससे दुखी हैं, जिस तरह का व्यवहार किया है कांग्रेस के सांसदों ने, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी कठोर शब्दों में उसकी निंदा करती। लोकसभा के अंदर जो हुआ उसके ऊपर हमारा भाई शाहनाज हुसैन जी आके जो बयान दिया है वो पूरा गलत है। गौरतलब है कि टीडीपी और कांग्रेस के सांसदों पर सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए पहले भी 374A का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जा चुका है, लेकिन आंध्र प्रदेश के ये सांसद लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कुमार आलोक के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, DD News दिल्ली।